करेंगे हम लोग फाइनेंशियल फॉर्मूला। डाटाबेस फॉर्मूला करा दिए क्या? है डाटाबेस फॉर्मूले? डाटाबेस अभी नहीं कराए, करवाएंगे। डाटाबेस में कुछ होता नहीं है, एक ही फॉर्मूले में सब कुछ है उसमें। ठीक है सर, ठीक। फाइनेंशियल में देखते हैं, फाइनेंशियल में भी हालांकि कुछ ज्यादा नहीं है, जो जनरल फॉर्मूले हैं मैं उसके वो करा देता हूँ आपको। बेसिकली इन्वेस्टमेंट बेस होते हैं, इन्वेस्टमेंट और लोन वगैरह की कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें जो टर्म होती है पीवी एफवी, पीवी होता है प्रेजेंट वैल्यू, एफवी होता है फ्यूचर वैल्यू। पीवी मतलब सर प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, हाँ इसी को प्रिंसिपल भी कह लो, प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू जो मर्जी, एफवी फ्यूचर वैल्यू। तो सबसे पहले जैसे हमें इवेल्युएट करना है कि किसी लोन की ईएमआई, मान लीजिए 50,000 का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ही जो लगाते हैं ईयरली लगा देते हैं 14%, देन हम टाइम जो है 5 साल के लिए लिया हमने। ठीक है जी, तो अब मुझे ईएमआई जाननी है कि मेरी ईएमआई क्या पड़ेगी, उसके लिए मैं यूज करता हूँ पीएमटी का फॉर्मूला। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो इसमें मांग रहा है वो रेट मांग रहा है, तो रेट मैंने दिया। अब पीएमटी के फॉर्मूले में या किसी भी जगह हम इनमें जो फाइनेंशियल फॉर्मूला है जो रेट देंगे हमें देना है मंथली बेसिस पर। तो सिंपल सा तरीका है, डिवाइड बाय 12 कर लेंगे, देन हमारे पास एन पर, एन पर जो है ये है टाइम के लिए यूज हो रहा है, तो टाइम भी हमें मंथली चाहिए, तो 5 साल है तो मंथली में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे। ठीक है जी, देन हमारे पास ऑप्शन है पीवी, पीवी सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है जी, तो इसकी ईएमआई पड़ेगी 1663 रुपए। ठीक है सर, एक बार रिपीट करेंगे सर। पीएमटी का फॉर्मूला है, मैं पहली चीज आपसे मांगता है इसमें रेट, रेट एन पर मतलब टाइम और पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, आपकी लोन वैल्यू हो गई। ठीक है जी, तो इसमें कोई भी रेट या टाइम के लिए जो भी हमें देना है वो देना है हमें मंथली में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया कि 14% ईयरली था, तो मंथली में कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली मुझे डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, और ईयर को अगर मंथली में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज सेम है सर। हाँ जी, 100 का कोई रोल नहीं है, परसेंट ये जो 14% दिया हुआ है इसका कोई रोल नहीं है परसेंट का? परसेंट का ये ऑटोमेटिक अपने आप ही वैल्यूएट करता है, ऑटोमेटिक जनरेट करता है, ऑटोमेटिक आपको वो करता है वैल्यूएट करता है। ठीक है जी, तो वैसे पीवी जो हो गया हमारा हो गया ये 50,000। ओके, और ये जो बड़ी ब्रैकेट में एफबी दिया हुआ है और फिर टाइप दिया हुआ है उसको छोड़ दीजिए अभी, उसको बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें ईएमआई दिखा दी 1163.41 रुपए। आपको ये दिखा रहा है इस टाइम रेड में, एक्चुअली क्या है कि जो भी वैल्यू ये निकालता है फाइनेंशियल फॉर्मूला में वो निकालता है माइनस में, प्लस में चाहते हैं एबीएस का फंक्शन यूज कर सकते हैं उसके लिए, एबीएस का फंक्शन होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए। हाँ,
नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कर देता, पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही रखता है। मान लीजिए इसी तरह से हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारी है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? रेट का, ठीक है जी। इसमें एन पर यानी कि टाइम के लिए मल्टीप्लाइड बाय 12, रेट एन पर मल्टीप्लाइड बाय 12, देन पीएमटी यहां से दे दिया मैंने, ठीक है जी। पीवी यहां से चूज कर लिया मैंने, इसने मुझे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर ये दिखा रहा है 1%। प्रॉब्लम क्या है, ये मंथली आपको दिखा रहा है, तो आपको एग्जैक्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा। ओके सर, उसमें डिवाइड 12 क्यों करा है एसक्यूएम सर? ऐसा है, ये ईयरली हम जो यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो ईयरली लेके चल रहे हैं, इनमें से कोई भी फॉर्मूला पीएमटी पीवी ये जो भी है ये मंथली में ही डील करते हैं और मंथली में ही रिटर्न करते हैं आपको। बैंक्स भी मंथली में ही रिटर्न करेंगे आपको, तो आपको ईयरली बताएंगे ना, अगर बैंकिंग कैलकुलेशन मंथली ही चलती है। इसी तरह से टाइम के लिए आपके पास है एन पर, ठीक है जी। रेट मैंने दे दिया डिवाइड बाय 12, पीएमटी पीवी, तो एन पर टोटल दिखा रहा है 60, क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 12, हाँ ठीक है जी। तो ये भी एग्जैक्ट आ गया। बाकी मान लीजिए मुझे एक इन्वेस्टमेंट है मेरी कितनी 50,000 की, 14% रेट की, 5 साल बाद कितना मिलेगा, ठीक है जी। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एफवी, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। रेट डिवाइड बाय 12, एन पर में टाइम आएगा हमारा मल्टीप्लाइड बाय 12, देन हमारे पास क्या है यहाँ, पीएमटी दे दें या पीवी दे दें। अब मैं जैसे जो चीज नहीं देना चाह रहा हूँ, पीएमटी नहीं देना चाहता, तो 0 लगा के कॉमा कर देता हूँ, ठीक है जी। तो पीएमटी से आ गया, पीवी दे देता हूँ यहाँ इसकी जगह, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास 1,280,000 रुपये। आपने अब सर पीवी दिया है, पीवी दिया, अगर पीएमटी दे तभी एफवी चाहिए सर। हाँ जी बताइए। आपने पीवी दिया है, हाँ। अब पीवी ना देकर हम पीएमटी दे तो एग्जिट वैल्यू निकालेगा? वो भी वही निकालेगा सर। ठीक है जी, ये उसमें दे रहा है सर पॉजिटिव वैल्यू, वो नेगेटिव निकाल रहा है। हमने नेगेटिव वैल्यू सप्लाई किया है ना, ओके, यहाँ से नेगेटिव सप्लाई किया तो रिजल्ट पॉजिटिव में देगा। अब यही वैल्यू को पॉजिटिव में दे दीजिए, नेगेटिव दे देगा, ठीक है जी। तो ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा होता है, उसको एबीएस के थ्रू टैकल किया जा सकता है, बाकी आपका रिजल्ट सही सेम ही जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी फ्यूचर वैल्यू जो है वो है 1,00,000 रुपए, ठीक है जी। रेट वही 14% कर देता हूँ, टाइम जो है
मैं वही सिलेक्ट करूँ। अब यहाँ मुझे पीवी निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा रेट, इसको 14% पहले मैं कर लूँ बिकॉज यहाँ परसेंटेज के फॉर्मेट में। क्या था पीवी रेट एन पर में आपका टाइम आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 12, देन पीएमटी मांगता है या एफपी, तो पीएमटी में 0 दे देता हूँ और एफपी यहाँ से चूज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है इस टाइम। ठीक है जी, तो ये पीवी एफई जो है हमारा प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को जनरेट कराने में काम आता है। देन इसमें बात करते हैं कि जैसे मुझे ये जानना है कि ये लोन वाला हिसाब किताब था मेरा ये कितना सही है। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ इसमें पहले तो पीरियड डाल लेता हूँ, 8 साल का है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 60 तक ले लेते हैं। ठीक है, देन इंटरेस्ट प्रिंसिपल, या पहले प्रिंसिपल ले लेते हैं, देन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट कितना, टोटल जो ईएमआई हम भर रहे हैं, कि जैसे हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग है वगैरह वो सब है, तो कैसे जस्टिफाई हो कि इतनी हर बार भरेंगे। बैंक वाले कहते हैं कि आपका 14% रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग कैसे हम विश्वास करें, किस्त तो हम हमेशा ही एक भर रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, प्रिंसिपल के लिए जो है आपके पास है, देखिए पीएमटी ईएमआई निकालता है, तो हमारे पास पीपीएमटी है जो प्रिंसिपल निकाल के दे देगा आपको उसी में से, आपकी ईएमआई में से कितना प्रिंसिपल का जा रहा है। तो रेट ले लिया मैंने डिवाइड बाय 12, हाँ इसको फिक्स कर लूंगा क्योंकि मैं इसको ट्रैक करने वाला हूँ। ठीक है जी, देन ये पीईआर पूछ रहा है, पीईआर का मतलब है पीरियड कौन सा वाला है, पहली किस्त जानी है दूसरी जानी है, तो ये यहाँ से डील होगा, इसको भी एक तरह से मैं लॉक कर देता हूँ। देन मेरे पास है पीवी, पीआर में मैंने क्या डाला, अब एन पर मांग रहा है, एन पर में मुझे क्या करना है मल्टीप्लाइड बाय 12, देन पीवी, पीवी यहां से दे दिया मैंने। ठीक है जी, तो अब इसने मुझे क्या निकाल के दिया 580, इसको ट्रैक करता हूं तो पीपीएमटी जो था मैंने प्रिंसिपल के लिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए पैरामीटर सेम रहेंगे इसमें, रेट पीआर, जो पीआर है वो ये पीरियड है, एन पर है जो हमारा टोटल टाइम है और प्रेजेंट वैल्यू, तो इसमें क्या करना है पैरामीटर सेम रहेंगे, तो पीपीएमटी की जगह इंटरेस्ट अगर निकालना है हमें तो आईपीएमटी लग जाएगा, पैरामीटर सेम रहेंगे। ठीक है जी, तो ये दोनों भाग आ गए, अब इसको मैं क्या करता हूँ दोनों को टोटल करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, इतना ही आ रहा है, क्या करता हूँ इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब देखिए आपकी किस्त हर महीने जो है वो सेम रह रही है, है जी, प्रिंसिपल देखेंगे पहले महीने आपसे क्या कर रहे हैं कम ले रहे हैं, इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, आप जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट जो है घटता जाएगा, प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, अगर मान लीजिए आप कहते हैं 10वें महीने में मैंने ब्रेक करना है, तो 10वें महीने तक आप क्या कहते हैं मैक्सिमम ऑफ जो है इंटरेस्ट दे चुके होते। ठीक है जी, तो कुछ किस्त जो हमारी कुछ इस तरह से डिजाइन है,
शुरुआत में जो आप भरते हैं वो ब्याज होता है मैक्सिमम, और लास्ट में जो आप भरते हैं तो उसमें ब्याज का अमाउंट कम रह जाता है, लास्ट में आप प्रिंसिपल भरते हैं। ठीक है जी, बैंक वाले ब्याज पहले निकाल देते हैं। किस्त आपकी सेम चलती है। अगर आपको किसी लोन से टैली करना है तो ये आपका फिट बैठेगा, बस इसमें अपना जो है उनका फाइल चार्ज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वो सब आप पूछ के अगर जोड़ लेंगे तो चार्ट यही बनेगा आपका। ठीक है जी, आप खुद से अपनी स्टेटमेंट बना सकते। आपने इंटरेस्ट इसमें टोटल कितना पे कर दिया? इसमें मैं टोटल कर देता हूँ, सम में होगा यहाँ मैंने 59,000 टोटल भरा, यानी कि मैंने 50,000 दिए थे, 50,000 हमारा प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट जो हो गया 19,000 हो गया, टोटल 70,000 हो गया। ठीक है, अब ये निकालने के लिए मुझे इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी। इसके लिए अगर आपको आप कहें कि एक ही सेल में मुझे मतलब यही पता पड़ जाए कि मैं कितना इंटरेस्ट पे करने, एक झटके में पता पड़ जाए, कैसे पता पड़ेगा? यहाँ फिर से एक एरे का फॉर्मूला आ जाएगा आपके। ठीक है जी, एरे के फॉर्मूला सबसे लास्ट में बताऊंगा, पर ये बीच बीच में आपको आते रहेंगे। इस मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला मेरा रहेगा सेम IPMT वाला। ठीक है, इसमें मुझे कहाँ चूज करना है, जो ये PER में कर रहा हूँ, जो यहाँ से ले रहा हूँ, इसमें या तो मेरे पास तरीका है कि मैं ये कर्ली ब्रेसिस के अंदर 1 से लेकर 60 तक कर दूँ, लिख दूँ 1, 2 इस तरह से लिख दूँ। दूसरा तरीका मैंने बताया था, मतलब आपको जिक्र किया था कि रो का कॉलम लेके मैं 1 से लेकर 60 तक यहां से जनरेट करा देता हूँ। ठीक है जी, देन क्या करना है, ये जो IPMT रिजल्ट देगा उसको सम के अंदर दे देना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आ गया सेम रिजल्ट। ठीक है जी, फॉर्मूला में जाके इवेल्युएट फॉर्मूला एक चीज है, यहाँ से आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि फॉर्मूला ने कैसा काम किया। इवेल्युएट किया तो 14% का इसने निकाला, डिवाइड बाय 12, ठीक है जी, निकाल लिया। फिर रो 1 to 60 इसने क्या किया, वही काम किया जो मैं करने वाला था, कर्ली ब्रेसेस में 1, 2, 3, 4 इसने 60 तक टाइप कर दिया। ठीक है जी, देन अगेन 5 से 12 को डिवाइड किया, 60 आया, फिर देन प्रेजेंट वैल्यू उठा ली। अब ये क्या करेगा, IPMT जो है सम में क्या देगा, अलग अलग का, जैसे 583.33 है पहली वैल्यू है, फिर सेकंड वैल्यू कौन सी है 576.565, ये 576.57 आ गई, तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे देख सकते, सारी आ गई सम के अंदर, और सम अपना काम कर देगा इसको आगे वैल्यूएट करके रिजल्ट। ठीक है जी, तो ये है बेसिकली आपके फाइनेंशियल फॉर्मूले जो आपके नॉर्मली यूज होते हैं, बाकी सब सर फाइल डिलीट मत कीजिए। हाँ जी, फाइल को डिलीट मत कीजिए, भेज दीजिए हमें। हाँ ये मैं भेज दूंगा आपको, फाइनेंशियल करके कर देता हूँ। सर जहाँ पे हमने रो का फॉर्मूला लगाया यहाँ कॉलम नहीं लगा सकते? नहीं कॉलम नहीं चलेगा, कॉलम दूसरी चीज के लिए होता है, मतलब कॉलम नहीं चलेगा। कॉलम चल भी सकता है, नहीं भी, वैसे ट्राई नहीं किया, ट्राई कर लेते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं चलना चाहिए, कॉलम का यूज अलग होता है, चल जाए तो कोई भरोसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
प्रो का यूज भी किया जाता है उसके लिए, वो क्या करता है ना, रो में डेटा देता है, कॉलम क्या करता है, कॉलम्स में डेटा देता है। देखिए आपको एरे फॉर्मूला की एक सीक्रेट चीज दिखाता हूँ आपको कि ये वर्क कैसे करता है, थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि रो मैंने क्यों यूज किया, कॉलम क्यों यूज किया। तो एक दो तीन चार वैल्यू ली मैंने ब्रैकेट में, एंटर करके बाहर आ गया, चार या पांच जो भी सिलेक्ट किए, एफ टू करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो ये सब आ गए। ठीक है जी, अगर मैं इसको ऐसे करता एफ टू करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो ये इस तरह से आता। वैसे आना नहीं चाहिए, मतलब ये जो आपको दिखा रहा है कि तो कॉमा किया मैंने सिलेक्टेड एरिया में, हाँ कॉमा किया वो कॉलम के लिए था। ठीक है जी, कॉलम के लिए किया ना। हाँ अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ एक सेमी कॉलन डाल, अब करता हूँ। ठीक है जी, देखा डिफरेंस आपने क्या हुआ, जहां मैंने सेमी कॉलन डाला वहां से इसने वैल्यू को तोड़ दिया, यहाँ पे 1 2 एक साथ आया, देन 3 4 एक साथ आया। तो कॉमा किसके लिए होता है, कॉलम्स के लिए यूज होता है, और सेमी कॉलन जो होता है वो रो के लिए यूज होता है। ठीक है जी, इसी तरह से जब आप देखेंगे रो का फॉर्मूला जब डालेंगे, जैसे 1 2 4 कर देता हूँ, गलत कर दिया, यहाँ से यहाँ ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है जी, तो कॉलम का जब करूंगा 1 2 4 कॉलम की दिशा में ही चलेगा। ठीक है जी, ओके कॉलम की दिशा में चलेगा, तो कॉलम में कई वैल्यू अपने आप ही आ गई, तो फिर कॉलम जो है थोड़ा सा गड़बड़ करता है, तो ठीक है। तो VLOOKUP जैसे कि आपने पीछे बताया था, VLOOKUP में अगर हमारे पास कॉलम ज्यादा है तो हम कॉलम का ही प्रयोग कर सकते हैं उसमें, कॉलम का कर सकते हैं, पर इसमें मोस्टली आपके साथ ना रो का ही यूज होता है, कभी एरे फॉर्मूला के ना कुछ रूल है, मोस्टली आप रो का ही यूज करते हैं, कॉलम का बहुत कम करते हैं कभी कभार। ठीक है, जीआरए फॉर्मूला जब आएगा तो और देखेंगे। दूसरा आपको मैं एक साइट बताता हूँ जहां से आप फॉर्मूला के आपके रेफरेंस ले सकते हैं। देखिए जो फॉर्मूले हैं आपके, अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे देखेंगे, या तो इक्वल टू करके कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है जी, ये आ गया। ठीक है जी, लग गया एफएक्स का ये जो बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी हद तक डिटेल दे देगा, यहाँ हर एक की डिटेल बता रहा है। यहाँ नहीं समझ आया तो हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे करना है, यहाँ पे वही फंक्शन आपका खुल के आ जाएगा, एक आधा एग्जांपल भी आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ दिखा रहा है कि कैसे कैसे, और ये समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो तो आप एक साइट नोट कर सकते हैं, गूगल पे जाके टेक ऑन दी नेट टाइप करेंगे, टेक ऑन दी नेट, ये आपको मिल जाएगी साइट बड़े आराम से। इसमें क्या है, एक्सेल यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूले के लिए बहुत ही बढ़िया साइट है। ठीक है जी, एक्सेल फंक्शंस इसमें दिए गए हैं, तो इसमें है WS का मतलब है वर्कशीट, और VBA के VBA, तो वर्कशीट अल्फाबेटिकल और कैटेगरी वाइज दोनों तरह से हैं, तो मैं ले लेता हूँ कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज में जैसे ये हो गए हमारे स्ट्रिंग फंक्शन, टेक्स्ट के हो गए, ये मैथ के फंक्शन हो गए, स्टैटिकल, इंफॉर्मेशनल, डेट टाइम, डेटाबेस, फाइनेंशियल, जैसे FB था, इसमें क्लिक किया मैंने, इसमें मुझे इसमें थोड़ी सी कमेंट क्लियर हो।
यहाँ आपके लिखा लिखा आ जाता है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये साइट आप अपने रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। साइट आपके काम है, ठीक है जी। तो कोई भी कभी भी यूज हो जाता है, कोई पता नहीं तो कौन सा कहाँ यूज होता है, ठीक है। फिर भी एवरेज जो जनरली यूज होते हैं कह नहीं सकते, क्योंकि आपके ऊपर होता है कि आप कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज कर दे, ये आपके टूल की तरह होता है ना, टूल बॉक्स है, आप कौन सा टूल कहाँ यूज कर लो वो क्या पता है। अब पेचकस से आप उसको सही जगह से खोल लो, कई बार ठोक बजा के निकाल दो तो वो तो आपके है ना। तो ये फॉर्मूले आपके टूल्स होते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ आपको ऐसा फॉर्मूला जो मोस्टली यूज ही नहीं करते, कोई लोग नहीं यूज करते। मैंने भी पहली बार यूज किया था क्योंकि नेट पे मुझे उसका रेफरेंस मिला नहीं था, और मुझे आता था तो मैंने कर दिया। मैंने एक मेरे पास क्वेरी आई थी, मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर थे, दिखाता हूँ तो अलग अलग नंबर मैंने वैल्यू दी है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, नंबर फॉर्मेटिंग इनकी ना जीरो रिड्यूस करता हूँ, इसके मैंने दो तक कर दिए। इसमें जो है इसमें एक रिड्यूस कर लिया, इसमें चार थे मैंने तीन कर लिए, इसमें तीन थे मैंने दो कर लिए, और इसमें मैंने क्या किए एक कम कर, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मतलब जो दिख रहा है ऊपर कुछ और है, पीछे कुछ और, ठीक है। इस तरह के मेरे पास बहुत सारे नंबर थे, 24-25 हजार नंबर थे। अब उनमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो दिख रहा है वही नंबर चाहिए थे, ठीक है जी। अब पीछे के नंबर में जब मान लीजिए सम का भी फॉर्मूला लगाया तो पीछे के नंबर मिला के बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा था, ठीक है। और डिफरेंस नहीं चाहिए था, जो दिख रहा है मुझे वही चाहिए था, जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो है, जैसे 236 होता है यहाँ, ठीक है जी। तो यहाँ 24 दिखा रहा है तो मुझे 24 चाहिए था, 236 नहीं चाहिए। तो इसके लिए और कोई ऑप्शन तो है नहीं, कोई भी फॉर्मूला आप कर सकते हैं इस चीज को, कैसे करेंगे। हाँ जी सर, आइडिया है इसका, चलिए मैं बताता हूँ कैसे मैंने किया। इंफॉर्मेशन फंक्शन होते हैं हमारे पास, इसमें एक सेल का फंक्शन है, ये सेल की हर तरह की इंफॉर्मेशन निकाल के देता है। मैंने क्या किया, सेल का फंक्शन यूज किया, और इसमें एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट, फॉर्मेट ये कॉमा मैंने दे दिया रेफरेंस, ठीक है जी। उसने कुछ तो मुझे निकाल के दिया, जैसे F3, F2, F4। तो इसका कहने का मतलब ये था इसने कि नंबर फॉर्मेट यहाँ पे तीन दिखा रहा है, ये इसी चीज के लिए था, यहाँ तीन है, यहाँ दो है, यहाँ चार डिस्प्ले हो,
अब बात है वैल्यू को कन्वर्ट करने की, तो मैंने कैसे करना था, पहले मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया टेक्स्ट, होल टेक्स्ट मैंने कहा एफ है, उसको रिप्लेस करो कुछ नहीं के साथ, ठीक है जी। यहाँ मुझे इनके नंबर मिल गए, तो मैंने क्या करना था, राउंड के फॉर्मूला के अंदर डाला नंबर और डिजिट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं दिखा रहा होगा क्योंकि ये किसी नंबर फॉर्मेटिंग के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है जी। तो मैंने नंबर फॉर्मेटिंग हटा दी, तो मुझे एक्चुअल वैल्यू जो मिलनी चाहिए थी वो मिल गई, ये वैल्यू, ये जीरो के पीछे कोई वैसी भी वैल्यू नहीं होती इस प्रकार। और मैंने क्या किया, उनको फॉर्मूला ये बना के दे, फॉर्मूला कैसे बनाया, इसको कंबाइंड कर देता हूँ यहाँ पे, तो ठीक है सेल का ये फॉर्मूला मैंने कॉपी कर दिया इसमें सब्स्टिट्यूट वाले में, ठीक है जी। देन ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ से कॉपी किया इसमें, ठीक है जी। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला मैंने कॉपी करके उन्हें ये फॉर्मूला लगा लो आपका काम हो। तो किस फॉर्मूले की जरूरत कहाँ पड़ जाए कोई पता नहीं रहता, इसका जवाब पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं था, मैंने अपने दिमाग से किया, कहीं भी लगा सकते, ठीक है जी। चलिए आपको डेटाबेस के फंक्शन भी मैं साथ ही साथ बता देती हूँ, या फिर डेटाबेस के सारे फंक्शन एक ही तरह से यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया, ठीक है, और एक डेटा बना लेता हूँ मैं, मैं लगाता हूँ डी गेट, डी गेट आपका बिल्कुल की तरह ही होता है, ये आपका फुल डेटाबेस। फील्ड आपको देनी पड़ेगी कि कौन सी फील्ड में से आपको वैल्यू चाहिए, ये फील्ड हो गई, क्राइटेरिया मैं दे देता हूँ, इसमें देख लेते हैं क्या हुआ, इसकी का एग्जांपल देख लेते, यहाँ से आपकी A4 वाला है ये ऑर्डर आईडी वाला, देन इसने यूनिट कोस्ट की फील्ड बोली है, और जिसमें से A1 A2 में से रिटर्न करता है, A1 A2 में से क्या रिटर्न करता है, A4 D8 यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट, A1 से A2, अच्छा ये क्या है, डेटाबेस क्राइटेरिया, ओके। इसमें आपको हमेशा इन फील्ड्स के साथ चलना पड़ता है, ठीक
यहाँ भी कोई भी क्राइटेरिया जैसे मैंने डाल दिया जी, गेट डेटाबेस। एक्चुअली ये फंक्शन यूज में नहीं आते डेटाबेस का, तो इनकी बजाय हमारे पास बहुत सारे और फंक्शन है। सर मैंने क्या निकाला है इसमें, एम्प्लॉई नेम, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है ये, इसमें हेडिंग के साथ आप क्राइटेरिया देखो, ठीक है। आपका उस आईडी के अंतर्गत जो नाम था वो निकाल गया। इसी तरह से आप गेट डेटाबेस क्राइटेरिया आपका ये रिजल्ट आ गया। सारा इसमें इसी तरह से आपका डी गेट भी यूज होता है, डेटाबेस क्राइटेरिया फील्ड एंड क्राइटेरिया, इसी पे ही आपका चलता है सारा का सारा। नेक्स्ट जैसे आप कहेंगे डी सम, इसमें भी आपका क्राइटेरिया चलता है। सेल्स वाला मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेटा थोड़ा सा, सेल्स डालिए इसकी सम, डेटाबेस ये हो गया, फिर डेटाबेस मुझे मेरे ख्याल से ये डीलुक अप की तरह ही चलता है, अगर मैं वैसे दे दूंगा तो नहीं फाइंड होगा, या तो मैं इसके लिए इसको कर दूँगा एम्प्लॉय नेम तक ही नहीं करना। फील्ड हो गई मेरी सेल्स, देन क्राइटेरिया क्या है, देन हाँ जी, तो मैंने दिखाया डी सम का फंक्शन आपको, जिसमें आपने डेटाबेस एक सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया आपका, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, देखता हूँ कि अब आता है आंसर इसका, हाँ तो आ रहा है, इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं, कहीं से भी ढूंढ ढांड के आपको निकाल दूंगा। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, डी सम की तरह ही डी मिनिमम मैक्सिमम डी काउंट, जैसे आपने सम किया वैसे आप काउंट कर सकते हैं कि इस तरह के कितने रिकॉर्ड हैं। तो इसमें कुछ भी वैसा नहीं है, आप इसमें ऐसे देख के कर सकते हैं जो छोटे मोटे फार्मूले, हालांकि आपका इसका यूज कोई नहीं आने वाला, डी काउंट लगा दूं इसी जगह। डेटाबेस फील्ड सेलेक्ट नहीं हुआ सर, टेबल सेलेक्ट नहीं हुई सर, डेटाबेस सेलेक्ट नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, डेटा क्या कर रहा है मेरा सिस्टम, मेरे माउस थोड़ा सा नहीं चल रहा आया, तो माँ फील्ड ये वाली
कितने रिकॉर्ड है। दो रिकॉर्ड है ये मुझे दिखा रहा है, ये सिर्फ वैल्यू काउंट करके देगा, जैसे संदीप का दिया तो हमने संदीप का टू टाइम है। हाँ ये डी काउंट, डी मिनिमम, डी मैक्सिमम, इनका कोई यूज नहीं है, बस ये हेडिंग के बेस पर थोड़ा बहुत काम करते हैं, वो भी आप सिंगल रिकॉर्ड के लिए कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए वो भी नहीं कर सकते आप। ठीक है जी, ये सैमयू ये तो अपना काउंट भी कर देगा काम, ये तो ये नहीं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, इनका यूज नहीं होता, ये बगैर बात के दे रखे हैं अपन, कुछ होते हैं ना जबरदस्ती घुसाए हुए फंक्शन, तो ये वही है, इनका कोई यूज नहीं है, प्रैक्टिकली ये कभी यूज नहीं आएंगे आपके, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे फंक्शन आपके पास पहले से ही पड़े हुए हैं, डी मैक्स, मैक्सिमम वाला, डी मिन, बस इसमें जो होता है तीन फील्ड इम्पोर्टेंट है, डेटाबेस किस फील्ड में से रिकॉर्ड चाहिए और क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, क्राइटेरिया ये जो है विद हेडिंग सिलेक्ट करता है, विदाउट हेडिंग नहीं लेगा। तो ये थे आपके डेटाबेस फंक्शन, बाकी सोमवार को मिलते हैं, अभी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है उसमें।